हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल संस्कृत सब्जेक्ट। टुडे नाउ स्टार्ट ए न्यू लेसन, ए ग्रामर लेशन अभ्यास थर्ड। ए टाइटल इज क्रिया पदानी। इन क्लास 8 एज वेल एज इन द रिविजन ऑफ अर्लियर क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी थिंग्स is the most important in the sentence? तो most important sentence, how many things? तो three things are the most important. Three things is the most important in the sentence. So, which three things? The first is subject. Second, object. Third, subject, object, and verb. Subject means a first case nominative. How many case in the Sanskrit language? So 1 to 8 and 1 to 7. A first case, a revision, avyas second, a roop for the a ending, a ending. So 8 case, 1 to 8 case in the Sanskrit language. Case यानी विभक्तियाँ। संस्कृत भाषा में कितनी विभक्ति है? संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 8 तक की विभक्ति है। एंड 1 to 8 एंड 1 to 7, ये 8 केस कॉल टू 1 to 7, पर 8 केस इक्वल टू संबोधन विभक्ति। तो 1 to 8 केस, फर्स्ट कॉल टू प्रथमा इज सब्जेक्ट, फर्स्ट केस इज सब्जेक्ट, सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट, एंड फर्स्ट इज नॉमिनेटिव सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, सेकंड तो सेकंड केस कर्म, ए फर्स्ट केस नॉमिनेटिव, सेकंड केस से टू द एक्यूसेटिव। सी द पेज नंबर 88, ए बुक के 88 नंबर के पेज पर ये सब, ये टेबल मैंने अभ्यास 2 में बताया था और आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया था। आपने बना लिया होगा, तो आप आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पर ये देख सकते हैं। फर्स्ट केस सब ए सब्जेक्ट एंड नॉमिनेटिव, सेकंड इज ऑब्जेक्ट इज एक्यूसेटिव, थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ इज डेटिव, फिफ्थ इज एबिलिटिव, सिक्स्थ इज जेनेटिव, सेवंथ इज लोकेलेटिव, एंड 8 इज संबोधन वोकेटिव, लोकेटिव एंड वोकेटिव। तो 8 केस, 1 to 8 केस, इन 3 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंस इन द संस्कृत लैंग्वेज? इन द संस्कृत लैंग्वेज 3 three tense
थ्री टेंस इन द संस्कृत लैंग्वेज. तो फर्स्ट फर्स्ट कॉल टू ए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इन संस्कृत, गुजराती एंड हिंदी कॉल टू द फर्स्ट केस ए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल. वर्तमान काल एंड लकार इज लट लकार. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल लट लकार. इन सेकंड इज पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस. पास्ट टेंस गुजराती, संस्कृत एंड हिंदी कॉल टू द हस्तन भूतकाल. एंड लकार इज द लड़ लकार. लड़ लकार थर्ड इज द सामान्य भविष्यकाल. सामान्य भविष्यकाल संस्कृत, गुजराती एंड हिंदी से सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल सॉरी इंग्लिश से सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस संस्कृत, गुजराती एंड हिंदी सेज सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल से लुट लकार. तो थ्री टेंस इन द संस्कृत लैंग्वेज प्रेजेंट, पास, फ्यूचर, वर्तमान, भूत एंड भविष्य. तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव. इन नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी फर्स्ट केस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में ऑलवेज हमेशा के लिए नाउन और प्रोनाउन, इनमें क्या आता है नाउन और प्रोनाउन. नाउन मीन्स नेम, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. तो जब नाउन का प्रयोग होता है तो नाउन में नेम आता है, नेम में हमेशा के लिए स्वरांत नाम, जिनके नाम के पीछे एंडिंग वर्ड स्वर आया हो ऐसा शब्द, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर बाल हो, राम हो, भूप हो, नृप हो, मगन, छगन, ये सब जो नेम है इसको नेम यानी नाम बोलते हैं, इसको नाउन बोलते हैं. प्रोनाउन में एतद प्रोनाउन, अस्मद प्रोनाउन, कोई भी एतद प्रोनाउन, तद प्रोनाउन, अस्मद प्रोनाउन, युष्मद प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट में नाउन नहीं आता तब प्रोनाउन का प्रयोग होता है. ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म, और फिर थर्ड थ्री थिंग्स तीसरी जो चीज है इसको वर्ब बोलते हैं. वर्ब की बात जब आती है तब काल की बात आती है. तो थ्री टेंस ए प्रेजेंट, पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, लट लकार, लड़ लकार एंड लुट लकार. तो थ्री टाइप ऑफ द टेंस इन द संस्कृत लैंग्वेज. तो ये सफिक्स फॉर द प्रेजेंट टेंस सफिक्स, यू सी द पेज नंबर 98 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 पर सफिक्स दिए हैं. तो फर्स्ट ए प्रेजेंट टेंस, तो
हाउ मेनी पद्दा इन द संस्कृत लैंग्वेज, पद, तो टू टाइप ऑफ द पद, ए फर्स्ट पद इज द परस्मै पद एंड सेकंड इज द आत्मने पद, परस्मै पद्दा एंड आत्मने पद्दा, परस्मै पद एंड आत्मने पद, टू टाइप ऑफ द पद्दा, परस्मै पद्दा एंड आत्मने पद्दा, थ्री थिंग्स इज द इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, थ्री टाइप ऑफ द टेंस, टू टाइप ऑफ द पद एंड हाउ मैनी पर्सन इन द संस्कृत लैंग्वेज, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कॉल टू द इन द संस्कृत उत्तम पुरुष, सेकंड इज द मध्यम पुरुष एंड थर्ड इज द अन्य पुरुष, तो फर्स्ट इज द परस्मै पद्दा, वर्तमान का लड़ लकार इनके सफिक्स, तो ये सफिक्स फॉर सिंगुलर ड्यूअल एंड नंबर, एंड थ्री, टू टाइप ऑफ पद, थ्री टाइप ऑफ पर्सन एंड थ्री टाइप ऑफ द नंबर, नॉट ए न्यूमेरिकल नंबर बट नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर, फर्स्ट सिंगुलर एंड ड्यूअल, ड्यूअल माय मोबाइल इज ड्यूअल सिम यानी द्विवचन, दो, एंड दो से अधिक यानी प्लूरल नंबर, तो फर्स्ट इज सफिक्स फॉर द प्रेजेंट टेंस लट लकार परस्मै पद्दा, मैं आपके सामने इसको बताता हूँ, आपको इनको लिखना, लिख कर याद करना, कैसे याद करेंगे, अब जरा सुनिए और सुनकर इसको इस प्रकार याद करना है, मी वह मह उत्तम पुरुष, सी थह थह मध्यम पुरुष, ती तह अंति अन्य पुरुष, वर्तमान का लट लकार परस्मै पद्दा सफिक्स प्रत्यय, हिंदी में संस्कृत में जिसको प्रत्यय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सफिक्स कहते हैं, तो परस्मै पद्दा सफिक्स एंड आत्मने पद्दा सफिक्स, ई वह महे उत्तम पुरुष, से इत्थे द्वे मध्यम पुरुष, ते इत्ते अन्ते अन्य पुरुष, वर्तमान काल आत्मने पद्दा लड़ लकार सफिक्स, तो ये लट लकार सफिक्स ये वर्तमान काल, तो सेकंड नंबर यस्तन भूतकाल पास्ट टेंस, पेज नंबर 100, पेज नंबर 101 यस्तन भूतकाल परस्मै पद्दा लड़ लकार सफिक्स, अम व म उत्तम पुरुष, स तम त मध्यम पुरुष, त तम अन्न अन्य पुरुष, यस्तन भूतकाल परस्मै पद्दा लड़ लकार सफिक्स, तो सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी थिंग्स इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस, ए आंसर, थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस, फर्स्ट थिंग्स सब्जेक्ट, सेकंड थिंग्स ऑब्जेक्ट, थर्ड इज वर्ब एंड फॉर्म इज द वर्बल फॉर्म, तो फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ब जैसे गुजराती में बोलते हैं लखवू, लख लख, वाच चढ़ पढ़ दौड़, तो आ बधा एने शू कहवाय छे, एने क्रिया कहवाय छे, ए सेइंग टू द वर्ब क्रिया, एंड मेन रूट, मेन रूट मीन्स ए संस्कृत वर्ड पठ, ए पठ ए क्रिया, एंड
एडेड द सफिक्स टी सफिक्स तो पठति, पठति टी सफिक्स ये वर्बल फॉर्म, पठति वर्बल फॉर्म, पठामी पठावह पठामह पठसी पठतः पठतः पठति पठतः पठन्ति ये वर्तमान काल। तो इमेन इज द रूट एंड एडेड सफिक्स बेसिक सफिक्स, देयरफॉर व्हेन एवर यू वांट टू फॉर्म ए वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ एनी रूट। तो ये इस प्रकार पहले क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, सेकंड हाउ मैनी टेंस इन द संस्कृत लैंग्वेज, तो थ्री टेंस इन द संस्कृत लैंग्वेज, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, लट लकार पास्ट टेंस ह्यस्तन भूतकाल, लड़ लकार सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्य काल, लुट लकार इन द संस्कृत लैंग्वेज। हाउ मैनी पद इन द संस्कृत लैंग्वेज, तो टू टाइप ऑफ द पद इन द संस्कृत लैंग्वेज, परस्मै पद एंड आत्मने पद। हाउ मैनी पर्सन इन द संस्कृत लैंग्वेज, तो थ्री पर्सन इन द संस्कृत लैंग्वेज, फर्स्ट उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, तो थ्री टाइप ऑफ द पर्सन। हाउ मैनी नंबर इन द संस्कृत लैंग्वेज, थ्री नंबर इन द संस्कृत लैंग्वेज, सिंगुलर नंबर ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर। इनके बाद सफिक्स ऑफ द वर्तमान काल दो पार्ट में, इस तरफ सिंपल अरे प्रेजेंट टेंस परस्मै पद, इस तरफ आत्मनेपद। परस्मै पद ए इंग्लिश सेइंग एक्टिव वॉइस एंड आत्मनेपद सेइंग ए इसके एक्टिव इधर पैसिव। तो इस तरफ आपको ये रूप लिखने हैं, और ये जो मैंने समझाया सब आपके बुक के अंदर ये सब चीज़ दी है। जैसे यहाँ पर पहले सेंटेंस नंबर फर्स्ट, अधिशह पठति त्रोषाम नृत्यति, तोषा नृत्यति त्रिषा लिखति हार्दि पूजयति। तो फर्स्ट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड इज द वर्ब। यहाँ पर दो ही सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आने पर भी वाक्य तैयार होता है, पर दो चीज़ नहीं होती तो वाक्य कभी तैयार नहीं होता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस। वाक्य में दो चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पर लिखी है। प्रश्न लिखेंगे, इसके बाद मैंने समझाया वो आंसर लिखेंगे, इसके बाद पेज नंबर 98 पर वन पार्ट में एक्टिव, सेकंड पार्ट में पैसिव इनके सफिक्स, बाद में 101 हस्तन भूतकाल के सफिक्स वो लिखेंगे, उसके बाद 104 वहाँ पर भविष्यकाल इनके सफिक्स और रूप के साथ, जैसे पठ रूप के रूप बने हुए हैं वो रूप लिखेंगे, पठिष्यामी पठिष्यावह पठिष्यामह पठिष्यसी पठिष्यथः पठिष्यथः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ये सामान्य भविष्यकाल के परस्मै और आत्मने के रूप लिखना है, और इसके बाद एक्सरसाइज वन बाय वन एक्सरसाइज लिखना है। तो आपको याद करने के लिए वर्तमान के सफिक्स, भूत के और भविष्य के सफिक्स याद करना जरूरी है। जैसे मैंने गाकर समझाया इस प्रकार आप गाकर सही तरह से आप दो बार तीन बार नोट में लिखोगे, लिखने के बाद अपने आप आपको याद आ ही जाएगा, याद रही जाएगा। तो ये चीज़ आपको पसंद आई तो आप ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के लिए शेयर करिए। एक्सरसाइज के साथ लेशन अभ्यास
थर्ड यहाँ पर पूर्ण होता है। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।